हाय गाइस, दिस इज सैंडी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। सो ये सबसे पहले अपने लाइक्स और कमेंट्स से मुझे बताओ कि आप लोगों को सॉन्ग कैसा लगा है। सो आज का जो हमारा लेसन है वो है मैरून 5 का मेमोरीज। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है। सो गाइस, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग भी था कुछ टाइम पहले। सो ये सॉन्ग जो है मैं आपको सिंगल स्ट्रिंग पे सिखाने वाला हूँ, ई स्ट्रिंग पे। सो जो बिगनर्स है वो भी इसे प्ले कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे बी स्ट्रिंग पे, जी स्ट्रिंग पे, डी स्ट्रिंग पे भी प्ले कर सकते हो। सबसे बेस्ट साउंड इसका आता है जी स्ट्रिंग पे, लेकिन मैं आपको ई स्ट्रिंग सिखाऊंगा। बिगनर्स लेवल का है तो ई स्ट्रिंग पे आसानी से बच जाएगा। तो इसके टैब्स जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जिन्हें भी स्क्रीन से टैब्स कॉपी करने में प्रॉब्लम आती है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इंस्टाग्राम के URL पे क्लिक करके जा करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। सो उधर आपको टैब्स मिल जाएंगे इसके सारे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। So guys, इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको इस टाइप से प्ले होगा। इतना रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट। सो इसे प्ले करने के आप लोगों को क्या करना है, आपको जो बजाना है टैप्स वो रहेगा आपका 17 14 15 17 14 15 17। सो आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं इतना, ये 17 14 15 17 14 15 17 इतना। इसके बाद फिर आपका रहेगा, यह होगा आपका 14 12 10 14 12 10 14 12 10 14 10 12 12 10 इस टाइप से। काफ़ी इजी, आप लोग टैप्स जो है देख करके उसे फॉलो कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो इस टाइप से बजेगा। सो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, उसके टैप्स रहेंगे, आपको 3 बार 7 4 बार 7 प्ले करना है। देन 5 7 5 5 इस टाइप से। देन आपको 2 बार 5 प्ले करना है, 7 7 7 10 9 तो इस टाइप से बजेगा। सो ये सेकेंड पार्ट प्ले करने का आपको वापिस से फर्स्ट पार्ट को रिपीट करना है। उसके बाद फिर मैं चलते अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो अपना थर्ड पार्ट इस टाइप से प्ले होगा। सो इसके जो टैप्स है वो है आपके 7 7 7 7, 4 बार 7 है, 5 7 5 5। देन आपका रहेगा 5 5 5 7 7 7, 4 बार 7 है। देन 10 9 है 4 बार, देन 10 10। तो इस टाइप से प्ले होगा। स्लो बता देता हूँ कैसे प्ले होगा वो। ये रहेगा आपका जो है थर्ड पार्ट इसका। सो इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट भी काफी ज्यादा इजी है, वो इस टाइप से प्ले होगा आपका। सो इसके टैप्स आप ऊपर स्क्रीन पे कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इसके टैप्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 10 12 14, देन आपका जो रहेगा वो रहेगा 17, 2 बार 17 प्लग करें आपको 14 प्ले करना है। देन 19, देन आप इससे 14, फिर आपको प्ले करना है 14 14 15, 3 बार 15 प्ले करना है। इसके बाद 14 10 प्ले करना है। सो इस टाइप से रहेगा पूरा है। स्लो प्ले करके बताता हूँ आपको मैं एक बार। सो ये रहेगा आपका नेक्स्ट पार्ट। सो इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट आएगा, वो इस टाइप से प्ले होगा। सो इसके टैप्स जो रहेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, इस टाइप से बजेंगे। टेन फोर्टीन फिफ्टीन 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 4 बार 15 प्ले करना है आपको। उसके बाद मेरेगा 14 10,
देन आपका 10 रहेगा, 14, 15, 12, तो इस टाइप से। सो ये पूरा इसको जोड़ देंगे, फिफ्थ पार्ट आपको इस टाइप से होगा। स्लोली बता देता हूँ एक बार आपको मैं, तो इसका जो सिक्स पार्ट है वो इस टाइप से प्ले होगा। सो इसे प्ले करने आप लोगों को जो टैब्स है वो रहेंगे 4x10, 14, देन 10, 10, देन फिर से 4x10, 14, 10, 10, 9, 10। इसको आपको दो बार प्ले करना है। सो इस टाइप से बजेगा पूरा। ओवरऑल ये बन जाएगा पूरा। सो गाइस ये प्ले करने के बाद ना आपको जब अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट को रिपीट कर देना है, तो इधर अपना गाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट को रिपीट कर दोगे आप उसके बाद तो। सो गाइस आपको मैं एक बार स्लोली पूरे पार्ट्स को मिक्स करके प्ले करके बता देता हूँ एक बार। सो पहला पार्ट आपका रहेगा, इतना रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट। फिर आएगा सेकंड पार्ट आपका, देन आपको वापिस फर्स्ट पार्ट रिपीट करना है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा, ये रहेगा आपका फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आपका सिक्स पार्ट आ जाएगा। सॉरी आपको इसके बाद आप इसे रिपीट करना है वाला ही पार्ट। आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट रिपीट करना है।